हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है पानी का प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। अगर व्याख्यायित करना हो तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई मानव सर्जित पदार्थ हमारे पानी के स्रोतों में मिलके उसे विषैला बनाकर प्रदूषित बनाता है तो उसे हम पानी के प्रदूषण के नाम से भी जानते हैं। पानी के प्रदूषण के लिए मुख्य तीन कारण जवाबदार है। पहला है फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल्स, दूसरा है बस्तियों से निकलने वाला कचरा, तीसरा है प्लास्टिक। सीधा नियम है, जल है वहाँ पे जीवन है, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि मानव बस्तियाँ बड़े बड़े जल स्रोतों के किनारे ही बसी और विकसित हुई है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारे जीवन जरूरी चीज वस्तुओं को निर्माण करने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इन्हीं बस्तियों में विकसित हुई है, जिसमें से आखिर में निकलने वाला प्रवाही कचरा ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाता है। वैसे ही नदी और तालाबों के किनारे बसी बस्तियों में से हर रोज कई टन कचरा ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसमें प्रवाही या घन स्वरूप के कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। वैसे ही फैक्ट्री और बस्तियों से निकलने वाला प्लास्टिक ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाता है, जो वहाँ पे पड़े रह के पानी के रासायनिक बंधारण में परिवर्तन करके कुछ ऐसे संयोजन बनाता है जो वहाँ पे पहले से उपस्थित निवसन तंत्रों को नुकसान पहुँचाने का काम करता है। नदियों का यह गंदा पानी कैनाल के द्वारा हमारे घर तक या फिर खेतों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पे सिंचाई के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। आइए अब बात करते हैं प्रदूषित पानी पीने की खराब असरों के बारे में। खेतों में उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक बारिश के मौसम में पानी के साथ बह के पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं। अगर ऐसे पानी को पीने के उपयोग में लाया जाए तो हमें स्किन एलर्जी, चमड़ी के रोग या फिर वॉमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। वर्तमान समय में फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गया है, जो बारिश के मौसम में पानी के साथ बह के पानी के स्रोतों में मिल जाता है। अगर ऐसे पानी को पीने के उपयोग में लाया जाए तो हमें पेट की बीमारियाँ, हमारी पाचन क्रिया में कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती है या फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अगर गंदे नाले का पानी गलती से पीने के पानी के स्रोतों में मिल जाए तो वह उस पानी को इस कदर प्रदूषित कर देता है कि अगर ऐसे पानी को पीने के लिए उपयोग में लाया जाए तो हमें हिपेटाइटिस और डिसेंट्री जैसी बीमारियाँ हो सकती है। फैक्ट्रीज में से फेंके जाने वाले केमिकल्स में उपस्थित आर्सेनिक अगर पीने के पानी के स्रोतों में मिलके उसे प्रदूषित करता है और अगर ऐसे पानी को पीने के लिए उपयोग में लाया जाए तो आपको खून की उल्टियाँ हो सकती है या फिर आपके शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर सकता है। ऐसे ही केमिकल्स में उपस्थित भारी तत्व लीड अगर पानी को प्रदूषित करता है और अगर ऐसे पानी को आप पीने के लिए उपयोग में लेते हो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है या फिर आपकी किडनियां काम करना बंद कर सकती है। ऐसे ही नमक से प्रदूषित पानी अगर पीने के लिए उपयोग में लाया जाए तो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है या फिर हमारे किडनियों की काम करने की क्षमता पे खराब असर डाल सकता है। अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत में पवित्रता, सौम्यता और निर्मलता जैसे गुणों को दर्शाने के लिए पानी को पूरक माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक है हमारे भारत में उपस्थित सबसे बड़ी नदियों में से एक हमारी गंगा नदी, जिसके किनारे कई सारे शहर और बस्तियों का विकास हुआ है, जिसमें से हजारों लोग हर रोज उसके किनारे आके पूजा पाठ जैसी प्रवृत्तियां करते हैं। लेकिन गंगा के किनारे बसे शहरों में उपस्थित चमड़े के कारखाने और साड़ियों के रंग काम के कारखानों में से निकलने वाला हजारों टन केमिकल्स हर रोज गंगा में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। इसके अलावा गंगा के किनारे बसी बस्तियों में से निकलने वाला हजारों टन प्रवाही कचरा ऐसे ही गंगा के पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसने हमारी इस पवित्र नदी को इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि आज पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित नदियों में गंगा को माना जाता है, जिसने गंगा में पहले से उपस्थित निवसन तंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, जिससे पानी में बसने वाली मछलियों की कुछ प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है।